का सवाल है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबल ऑन मिस ओकेंटब्स सूटकेस एंड व्हाई डज शी हाइड इट। यानी उसकी लेबल, सूटकेस की जो लेबल पे जो उसका नाम और एड्रेस लिखा था वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, और आखिर क्या ऐसा हुआ जो मिस ओकेंटब्ब ने उसे हाइड कर दिया। तो यार जवाब पढ़ते हैं। द लेबल हैज़ मच इम्पोर्टेंस इन द प्ले। इट इज़ द लेबल दैट लीड द मैन टू आइडेंटिटी ऑफ मिस ओकेंटब्ब, टू द आइडेंटिटी ऑफ मिस ओकेंटब्ब एज द मर्डरर ऑफ हिज वाइफ एंड डॉटर, एज ही हैड ओनली सीन हर ब्लर फोटोग्राफी इन द न्यूज़पेपर। इफ़ ही हैड रिमेन ignorant about the identity of Mrs Okentubb, the murder would not have taken place and there would have been no development on the plot. ठीक है भाई, ये इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि वो मैन को, यानी उस जेंटलमैन को जो कि वेटिंग रूम में जब आए थे, तो उसने जब ये लेबल पर उसकी जब नज़र पड़ी तो उसने देख लिया, यानी उसको हाफ कॉन्फर्मेशन हो गई कि भाई वो जो लेडी है वो मिस ओकेंटब्ब ही है जिन्होंने उसकी वाइफ और डॉटर का मर्डर किया था। अब जब उनके दरमियान जब कन्वर्सेशन हुई तो उसने जब ये बताया कि वो इस मकसद से मिस ओकेंटब्ब को ढूंढ रहा था कि वो उसका मर्डर कर सके, तो ये सुन के मिस ओकेंटब्ब जो कि वहाँ बैठी हुई थी, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी जो कि हो गई थी, तो उसकी वजह से उसने अपना हाइड कर दिया लेबल सूटकेस का। ठीक है चले आगे बढ़ते हैं। मिस ओकेंटब्ब हाइड्स द लेबल बिकॉज शी वॉन्ट टू कीप हर आइडेंटिटी एज अ सीक्रेट। शी रियलाइज दैट द डिस्क्लोजर ऑफ हर आइडेंटिटी वुड ब्रिंग हर ट्रबल। ठीक है, तो इसी तरह ही उसको पता चल जाने के बाद उसने अपनी हाइड कर दिया लेबल को, अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर दिया, क्योंकि उसको नहीं पता था, उसने देख लिया है तो वो नहीं चाहती थी कि वो उसे देखे। ठीक है चलें इसी के साथ ही, बाय बाय।